हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास 22 ऑफ माया 2020 सो so गाइस अभी तक हम लोगों ने मॉडलिंग में बेसिक इंटरमीडिएट स्टेज तक बहुत सारी मॉडलिंग कर ली मैंने आपको बेसिक मॉडलिंग कैसे बनाई जाती है उन सब टेक्निक्स के बारे में बताया उसके बाद हम लोग ने मूव ऑन किया थोड़ा सा एक प्रोडक्ट मॉडलिंग की तरफ जहाँ पे मैंने आप लोगों को एक माउस बनाना बताया उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा कैसे हम लोग एक मोबाइल फोन का मॉडल कर सकते हैं यूजिंग द पॉलीगॉन टेक्निक आज के क्लास में मैं आपके लिए अगेन लेके आ गया हूँ एक और मॉडलिंग सीरीज जहां पे मैं आपको बताऊंगा आप एक ऐसा हाई क्वालिटी हाई डेंस मेश कैसे तैयार कर सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक गेम एसेट या फिर एक गेम प्रॉप कैसे बना सकते हैं इन साइड माया ना दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टी पार्ट सेशन और अ मल्टी पार्ट सीरीज जहां पे मैं आपको एक एक पार्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा आप उसे कैसे मॉडल कर सकते हैं सेशंस आई विल ट्राई नॉट टू कीप वेरी लेंथी और इजी में आप लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोग इसे क्विकली बना सके और क्विकली टेक्निक्स को सीख सके तो यहाँ पे मैं कुछ एडवांस टेक्निक्स भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ सिंपल ट्रिक्स भी आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ऐसा कोई मॉडल बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे ऐसे मॉडल्स को ईजीली बना सकते हैं सो हेलो एवरी वेलकम टू जी एफ ज्ञान मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर रोशन चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सो पे मैं आ चुका हूँ माया में एंड बिफोर वी स्टार्ट मॉडलिंग दिस गेम एसेट या फिर इस एक्स को जब हम लोग मॉडल करना स्टार्ट करें लेट्स सेटअप आवर रेफरेंस इमेजेस रेफरेंस इमेजेस आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ये सारे रेफरेंस इमेजेस जो भी मैं यहां पे यूज करने वाला हूं मॉडलिंग के टाइम पे ये सारी चीजें मैंने डाउनलोड की है वॉलपिन प्रॉप्स के वेबसाइट से उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड मेरे साथ में आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस इमेज को सेटअप कर लेते हैं तो इसके लिए हम लोग चलेंगे हमारे ऑर्थोग्राफिक व्यूज में जहां पे हमारे पास हमारा टॉप एंड फ्रंट हम लोग यूज करने वाले हैं सो लेट्स गो टू व्यू इमेज प्लेन इंपोर्ट इमेज ये हमारा फोल्डर है यहाँ पे आने के बाद हम लोग सिलेक्ट करते हैं अपने प्रॉप को ओपन कर लेते हैं तो ये हमारा एक्स का रेफरेंस इमेज आ गया है लेट्स गो टू टॉप व्यू व्यू इमेज प्लेन अगेन लेट्स सेलेक्ट दैट रेफरेंस इमेज और इसे हम लोग अगेन ओपन कर लेते हैं अब हम लोग क्या करेंगे इसे सिलेक्ट करेंगे दोनों को स्केल टूल लेंगे आर प्रेस करके या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं कैंड जस्ट सिलेक्टेड लेट्स स्केल द इमेज टुगेदर ताकि वो दोनों एक साथ स्केल हो और उनका जो आ, स्केल डायमेंशन हो वो एक जैसा हो देन लेट्स सेलेक्ट द फ्रंट इमेज इसे हम लोग ऊपर की तरफ मूव करते ताकि हमारा मॉडल ग्रिड के ऊपर आ जाए एंड देन लेट्स गो टू तो टॉप व्यू इस रेफरेंस इमेज को सिलेक्ट करके हम लोग लेके आ जाते हैं इस तरह से सेंटर में सो so दैट ये जो ऊपर का पार्ट है हमारा ऐसा ग्रिड के सेंटर में आ जाए राइट नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा इस इमेज को ब्राइटन uh, ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी कम करनी बिकॉज इट इज वेरी ब्राइट सो लेट जस्ट सेलेक्ट दिस थिंग गो टू एट्रीब्यूट एडिटर एंड इमेज प्लेन शेप वन में हम लोगों को यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है अल्फा गेन तो दिस इज बेसिकली कि हम लोग यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा ये इस तरह से ग्रे आउट हो जाए और हम लोग इजिली मॉडल्स बना सके ये थोड़ा आंखों को डिस्टर्ब ना करें सो लेट्स पुट 0.1 पॉइंट वन एज अ वैल्यू इसे भी सिलेक्ट करके मैं 0.1 पॉइंट वैल्यू टाइप कर लेता हूँ सो so, ये हमारा इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है नॉ लेट्स ईच वन ऑफ देम एंड सेट लुक थ्रू कैमरा ताकि हम लोग इसे सिर्फ कैमरा व्यूज के थ्रू ही देख सके ये हम लोगों को पर्स्पेक्टिव में डिस्टर्ब ना करे नाव बार बार हमारा रेफरेंस इमेज सिलेक्ट ना हो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसे लेयर में डाल के लॉक कर देंगे सो लेट सिलेक्ट बोथ द रेफरेंस इमेजेस गो टू चैनल बॉक्स लेयर एडिटर यहां पे हमारा डिस्प्ले लेयर होता है यहां पे हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू लेयर एंड असाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इस पर आप क्लिक कर लें नाव सिंपली चेक कर लें येस इट इज एडेड नाव जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन विच सेज टी और आर तो फिलहाल हम लोग इसे रखेंगे आर पे टी पे भी आप रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे टैंपलेट बनाना चाहते हैं या फिर एज अ रेफरेंस यूज करना चाहते हैं यू कैन यूज इट यहां पे मैं इसे रख देता हूं एज अ रेफरेंस ना इसका बेनिफिट यह है कि अब आपका ये जो रेफरेंस इमेज है ये सिलेक्ट नहीं होगा और ये आपके काम के बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा और राइट तो ये हमारा रेफरेंस इमेज इस तरह से सेटअप हो चुका है ना इस मॉडल के मैंने एक्चुअल इमेजेस भी डाउनलोड किए हैं जिसे मैं बार बार यूज करूंगा मॉडलिंग के टाइम पे क्योंकि कुछ डिटेल्स है जो हम लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस में नहीं दिखाई देते बिकॉज एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टॉप है एंड फ्रंट है वी डोंट हैव द साइड्स ऑफ दिस एक्स तो इसके कुछ मैंने रेफरेंस इमेजेस डाउनलोड किए हैं लेट मी शेयर विथ यू गाइज सो गाइज ये इस एक्स के एक्चुअल प्रॉप रेफरेंस हैं जिसे मैंने वॉलपिन प्रॉप्स के वेबसाइट से डाउनलोड किया है सेम मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए आप वहां से ब्लू भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड दिस इमेजेस ऑल्सो बिकॉज इनके हेल्प से हम लोग क्विकली इजिली और बहुत डिटेल में अपने मॉडल को तैयार कर पाएंगे और राइट तो दिस आर ऑर रेफरेंसेज एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत डिटेल में हर एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है हम लोग देख सकते हैं बॉटम है साइड्स है वी कैन सी द हैंडल्स थ्रेड्स कैसा डिजाइन बना हुआ है यहाँ पे तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देखने मिल जाती है दिस गाय हैज क्रिएटेड दिस एंटायर एक्स फ्रॉम मोल्डिंग तो मोल्ड्स तैयार करके इसने इसे बनाया है दिस इज फ्रॉम वॉलपिन प्रॉप्स तो आप लोग भी जाए वहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस बंदे ने क्रिएट किए हुए हैं एंड ही क्रिएट्स ऑल दिस काइंड ऑफ गेम प्रॉप्स एंड ऑल दो राइट तो दिज आर ऑल रेफरेंसेस जिसे हम लोग इस्तेमाल करने वाले तो so, चले चलते हैं माया में सो so, आज की क्लास में हम लोग बेसिकली ब्लॉक करेंगे हमारे टॉप पार्ट को यानी कि जो हमारा ब्लेड है इसे हम लोग ब्लॉक uh, कर लेंगे मॉडल करने के लिए एंड सो दैट इट इज ईजियर टू गो अहेड नाउ एज वी कैन सी ये जो ब्लेड है ये सामने से इस तरह से एंड बीच में हल्का सा यहाँ पे इसमें हम लोगों को बेंडिंग मिल जाता है कैन सी यहाँ पे बहुत कर्व्स एंड टर्न्स हैं यहाँ पे ये जो पोर्शन होता है हमारा ब्लेड का शार्प एरिया होता है ठीक है दिज आर द एरियाज दिच आर शार्प शार्प एरियाज तो इन सब चीजों को डिटेल को हम लोगों को तैयार करना है तो चलिए हम लोग क्विक क्विकली इस ब्लेड को ब्लॉकआउट कर लेते हैं एंड इसमें हम लोग थोड़ा सा अपने सेटअप करने का काम स्टार्ट करते हैं सो लेट्स कम टू फ्रंट व्यू एंड इसे बनाने के लिए बेसिकली यू कैन यूज ऑल काइंड ऑफ टेक्निक्स और ऑल काइंड ऑफ थिंग्स डैट यू वॉन्ट टू यूज मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा हमारा क्रिएट पॉलीगॉन टूल क्रिएट पॉलीगॉन टूल में मैं आता हूँ देन आई विल स्टार्ट ड्राॅइंग आ आउटलाइन शेप तो इस मॉडल का मैं आउटलाइन शेप ड्रा करना स्टार्ट करूंगा सो so, इस तरह से मुझे क्या करना है इसे ड्रॉ कर लेना है आप यहाँ पे काउंट्स पॉइंट्स ज्यादा रख सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो बैक स्पेस अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे तो आप पीछे आ सकते हैं फ यू वॉन्ट टू मेक एनी करेक्शन इफ यू मेक एनी मिस्टेक्स आपने कोई गलत जगह पॉइंट एड कर दिया तो आप बैक स्पेस दबा ले सो दैट यू कैन गो बैक नाउ लेट्स ड्रॉ दिस थिंग एंड मैं क्या करता हूं यहां पर क्विकली इस शेप को ड्रॉ कर लेता हूं राइट right, तो अब आपको क्या करना है जैसा आपका यहाँ पे पॉइंट्स पड़ा हुआ है आपने एड किया हुआ है उसी से यह ध्यान रखते हुए कि आपको इनको कनेक्ट करना है उस हिसाब से आप यहां पे आगे के पॉइंट्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे आई विल सी कि कहां पे हमारा पॉइंट है तो टॉप हमारा यहां पे सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को यहां रखना है अगेन दिस वन ओवर हियर एंड दिस वन ओवर हियर तो इस तरह से मैं क्या करूंगा अपने पॉइंट्स की ब्लॉकिंग करूंगा आई कैन जस्ट गो फॉरवर्ड ऑल्सो यहां पे मैं रख देता हूं ताकि ये स्ट्रेट इस तरह से आ जाए इफ आई गो टू व्यू यू कैन सी ये हमारा इस तरह से एक प्लेन जैसा एक शेप ड्रॉ हो चुका है ना वट यूल डू जस्ट राइट क्लिक गो टू फेस इस फेस को आप सिलेक्ट कर लें लाइक दिस एंड देन वॉट यू कैन डू यू कैन गो टू एक्सट्रूड एक्सट्रूड में आप चले जाए एंड देन जस्ट क्विकली डू एन ऑफसेट आपको इस तरह से ऑफसेट कर लेना है लाइक दिस सो दैट ये जो हमारा एजेस है वो हमारा मैच करना स्टार्ट करे लाइक दिस तो लेट्स जस्ट ऑफ सेट दैम तो ये ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट मैच नहीं करेगा बट हम लोग इसे नियरेस्ट मैच कर लेते हैं देन वॉट यू हैव टू डू जस्ट कम ओवर ईयर यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों को डबल फेसेस मिलेंगे इस तरह से सो विल जस्ट सिलेक्ट द बिगर वन एंड हम लोग उसे डिलीट कर देंगे ठीक है सो लेट्स दिस वन एंड डिलीट इट तो हम लोगों को ये दो पार्ट इस तरह से रखना है इफ यू वॉन्ट यू कैन डिलीट दिस वन ऑल्सो इसे भी चाहिए तो आप लोग डिलीट कर सकते हैं बट फिलहाल हम लोगों को इसकी जरूरत है तो हम लोग इसे डिलीट नहीं करेंगे ओके ना लेट्स फिक्स दिस थिंग एंड क्विकली हम लोग क्या करते हैं इन पॉइंट्स को एडजस्ट कर लेते हैं ना यहाँ पे मुझे इस फेस की जरूरत नहीं है तो लेट मी जस्ट डिलीट दिस थिंग लेट्स लेक दिस टू पॉइंट्स एंड इन्हें हम लोग इस तरह से मूव कर लेंगे यहाँ पे आई विल मूव दिस पॉइंट ओवर यर

बाकी हम लोग चाहिए तो इसे और आगे की तरफ मूव कर सकते हैं लाइक दिस नॉलेज क्विकली एडजस्ट दिस पॉइंट्स राइट तो ये हमारे पॉइंट्स इस तरह से ऐड हो चुके नाउ व्हाट वॉट आई डू आई सिमिलर वे आईल क्रिएट अ शेप ऑन दिस साइड आल्सो इस पार्ट को भी मैं क्रिएट कर लेता हूं सो अगेन लेट्स गो टू मेश टूल सिलेक्ट क्रिएट पॉलिवॉन टूल एंड लेट्स क्रिएट नाव जिस चीज़ का मैंने बोला आप लोगों को ध्यान रखना है जब आप यहाँ पे पॉइंट ऐड कर रहे हैं तो मेक श्योर sure करना है कि आप अपोजिट साइड भी एग्जैक्ट जगह पे पॉइंट ऐड करें सो इफ यू वॉन्ट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस एरिया और यू कैन स्टार्ट फ्राम हियर लेट्स स्टार्ट फ्राम टॉप ओनली दो एक दो तीन एंड लेट्स क्विकली एड दिस पॉइंट्स राइट तो ये भी हमारा शेप इस तरह से बन चुका है ना लेट जस्ट टर्न ऑन द वायर फ्रेम एंड वी कैन सी अब ये हमारा ब्लैक है कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग इसे अभी एक्सट्रूड करेंगे सो लेट्स सिलेक्ट दिस फेस एक्सट्रूड पर चले जाएँ इट्स गुड टू फ्रंट व्यू एंड हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इसे ऑफ सेट करेंगे कुछ ऐसे समथिंग लाइक दिस थोड़ा सा हम लोग इसे करेंगे ज़्यादा नहीं करेंगे लाइक दिस देन

तो सिमिलर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट किया वैसे ही हम लोगों को यहां पे भी इसे एडजस्ट कर लेना है तो क्विकली आप यहां पे क्या करें आए और पॉइंट को सिलेक्ट करके एडजस्ट करना स्टार्ट कर ले और राइट तो ये हमारा दोनों साइड का शेप बन चुका है अब हम लोगों को इसे आपस में कनेक्ट कर लेना है सो फर्स्ट थिंग लेट्स सेलेक्ट बोथ ऑफ डैम लेट्स गो टू मेश एंड से कम्बाइन तो हम लोग इसे कम्बाइन कर लेंगे एंड लेट्स जस्ट ब्रिज दैम तो सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग इसे एंड लेट्स ब्रिज इट आप सबको सिलेक्ट कर ले इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं ये बॉटम हम लोगों को सिलेक्ट नहीं करना है सिर्फ ये दो पार्ट को सिलेक्ट करना है एंड हम लोगों को इसे ब्रिज कर लेना है लेट्स पुट सम एक्स्ट्रा डिविजन्स तो यहाँ पे मैं कुछ टोटल इस तरह से तीन डिविजन्स एड कर दूंगा एंड देन ये जो हमारी नीचे की लाइन है जो क्रॉस जा रही है आई जस्ट सेलेक्ट ऑल दिस वर्टाइस एंड मैं इसे स्केल टूल यूज करके इस तरह से स्ट्रेटन कर दूंगा ताकि ये पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाए ऊपर के पॉइंट्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते एंड लेट स्केल इट सो ये हमारे पॉइंट स्ट्रेटन अप हो गए अब हम लोगों को क्या करना है ये जितने भी मिडल के हमारे पॉइंट्स हैं ये जो हमारा एम एरिया है इसे हम लोगों को फिल कर लेना है तो जैसा मैंने बताया था कि आपने जैसे नीचे पॉइंट्स रखे उसी जगह पे आपको टॉप पे भी रखना है बिकॉज इट बिकम्स ईजियर नाउ टू सेलेक्ट बोथ द पॉइंट्स शिफ्ट के साथ राइट क्लिक एंड कनेक्ट कॉम्पोनेंट सेलेक्ट बोथ द पॉइंट्स शिफ्ट के साथ राइट क्लिक कनेक्ट कॉम्पोनेंट तो इस तरह से आप इसे ईजिली क्विकली कनेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस सो इट बिकम्स मच ईजियर टू वर्क विथ सो ऐसा आप यहाँ पे पॉइंट्स को एड कर लें So what I'll do, I'll just quickly connect all the points. यहाँ पे मैंने सारा कनेक्शन बना लिया आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरह से फ्लो को क्रिएट किया आपको कभी ऐसा लगता है कि फ्लो की फ्लो uh, में आपको पॉइंट्स कमती मिल रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स को ऐड भी कर सकते हैं इफ़ यू फाइंड एनी एक्स्ट्रा पॉइंट्स यू कैन डिलीट जैसे आई डोंट नीड दिस एजेस तो मैंने डिलीट कर देता हूँ अगर कुछ अनवॉन्टेड अगर आपके पास कुछ शेप्स हैं तो उसे आप निकाल दें ओके सो लेट दिस जस्ट सिंपली रिमूव दैम बिकॉज राइट नाउ आई आगे मुझे अगर लगा तो मैं उसे और एड कर लूंगा राइट लाइक दिस सो नेक्स्ट स्टेप इज कि एज यू कैन सी ये कंप्लीट हमारा जो ब्लेड है इस तरह से फ्लैट है हम लोगों को इस तरह से इसे राउंड करना है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हमारा जो शेप है ऐसा कर्वड हो रहा है और राइट सो फर्स्ट थिंग एज स्टॉप से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा वर्टेक्स हमारे आगे पीछे तो जस्ट राइट क्लिक गो टू वर्टेक्स सिलेक्ट ऑल ऑफ देम स्केल टूल आप ले एंड जस्ट स्केल इट इन द दी एक्सिस ताकि आप इसे फ्लैट कर सके लाइक दिस नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को इस सेंटर पोर्शन को बाहर की तरफ निकालना है बिकॉज दिस इज आवर ब्लेड एरिया ये इस तरह का हमारा ब्लेड एरिया है एंड यू कैन सी ये इस तरह से टेपर हुआ है या इस तरह से बेबल्ड चैम्फर्ड एडजेस्ट है एंड दिस इज गोइंग टू गो आउट राइट सो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आके इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं सो लेट जस्ट सिलेक्ट ऑल ऑफ देम यहाँ पे हम लोग इस फेसेस को भी सिलेक्ट कर लेंगे लाइक like दिस तो ये सारा सिलेक्शन हो गया अब हम लोग टॉप पे चलते हैं एंड देन लेट जस्ट मूव दिस अ लिटिल बिट आउट तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है ये जितना भी शार्पनेस हम लोगों को मिल जा रहा है उस शार्पनेस के हिसाब से हम लोगों को इसे आगे की तरफ मूव कर लेना है लाइक दिस ओके नाव

यहाँ पे हम लोग डिविजन्स एड करेंगे एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ये हारिजोंटल डिविजन्स है बट वी वॉन्ट स्ट्रेट यानी वर्टिकल डिविजन्स भी हम लोगों को चाहिए तो यहाँ पे आपको ये एस मिल रहा है तो जस्ट इसे आप इंक्रीज कर लें समथिंग लाइक दिस सो आइट पुट समथिंग लाइक एन एट डिविजन इसे भी मैं कर लेता हूँ कुछ अराउंड लेट्स से फाइव इज ओके तो ऐसा मैं क्या करूँगा इसे डिवाइड कर लूंगा नाउ लेट्स गो टू टॉप यू एंड लेट्स स्टार्ट एडिटिंग इट So, अगर आप इस लेटिस को सेलेक्ट करें राइट क्लिक करें जाए लेटिस पॉइंट में नाउ यू कैन सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड यू कैन मूव दैम एंड मॉडिफाई देम लाइक दिस सो मैं इसे मॉडिफाई करना स्टार्ट करता हूं इस तरह से एंड यू कैन सी इट स्टार्ट टेकिंग द शेप तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल एक छोटा सा पॉइंट भी सिलेक्ट करके उसे भी फ्लैटन कर सकते हैं कुछ ऐसे न सी योर इट ऑलरेडी स्टार्ट टेकिंग दर्व शेप ओके तो अब एक बेसिक आप उसको एक शेप दे दें कुछ ऐसा नॉट लेट सेलेक्ट दिस जोमेट्री गो टू एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री तो हमारी हिस्ट्री डिलीट हो गई अब थोड़ा सा मैनुअल हम लोग यहाँ पे शेपिंग देंगे सो लेट्स दिस एच दिस एच और इसे हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ लेंगे ताकि ये थोड़ा सा राउंड हो जाए लेट्स डबल क्लिक दिस डबल क्लिक दिस इसे भी हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ लेंगे थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग आर्क ऐड कर देंगे समथिंग लाइक दिस इफ यू फील कि और भी जगह पे ऐड करने की जरूरत है तो आप इसे मैनुअली आके थोड़ा थोड़ा आप एडजस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं और राइट तो नाउ यू कैन सी ये हमारा शेप का कर्वनेस इस तरह से बन चुका है टॉप व्यू से भी हम लोग देखें तो ये हमारा कर्व आ चुका है ठीक है नाउ लेट्स मेक अ कॉपी ऑन द अदर साइड और हम लोग इसे डुप्लीकेट करके उस तरफ रख लेंगे एंड देन विल स्टिच देम टू क्रिएट द कंप्लीट एक्स तो क्विकली हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल डी दबाएंगे या आप चले जाए एडिट डुप्लीकेट देन वी वी कैन सी आर इन द एक्स एक्स एक्सिस एक्सिस है ये हमारा लेट्स गो टू स्केल स्केल जेड सिलेक्ट जेड एंड हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे माइनस वन इट विल मिरर इट ऑन द अदर साइड अब आपने बोला कि मैंने मिरर क्यों नहीं यूज किया यस yes, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं इफ यू फील लाइक कि आपको मिरर यूज करना चाहिए तो आप मिरर को भी यूज कर सकते हैं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप मिरर नहीं यूज कर सकते यू कैन यूज मिरर ऑल्सो सो यू कैन सेलेक्ट इट लेट्स ट्राई विथ मिरर ऑल्सो क्लिक कर लेते हैं सेलेक्ट एक्सिस एज जेड एक्सिस एंड यू कैन सी ये हमारा मिरर हो चुका है हम लोग थोड़ा ब्रेंड ब्लेंड थ्रेश होल्ड थोड़ा सा कम करते हैं समथिंग लाइक दिस एंड ये कुछ इस तरह से हम लोगों को इसे मैच करना है लेट्स सी इट फ्रॉम द टॉप व्यू यस दिस इज वॉट आई वॉन्ट सो आप ऐसे अपने मिरर टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब यहां पर मिररर टूल में बहुत सारे पॉइंट जो मर्ज नहीं होते तो हम लोगों को उसे मैनुअली आके मर्ज करना होगा एंड यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा शेप को भी मॉडिफाई करना है लेट्स टर्न ऑन सीमेट्री तो यहाँ पे सिमेट्री में हम लोग जेड एक्सिस ऑन कर लेते हैं सो देट वेन वी आर एडजस्टिंग दिस पॉइंट हमारा दोनों साइड पॉइंट एडजस्टमेंट हो लाइक like दिस ओके नई कैन सी वी हैव सम अनवॉन्टेड वर्ड टेक्स लेट्स क्लियर दोज थिंग्स तो बैक स्पेज दबा के हम लोग उसे क्लियर कर लेते हैं अब यहाँ पर हम लोगों को इस वर्ड टेक्स को भी मर्च करना है और एक right. अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ वर्टेक्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टर्न ऑफ अवर सिमेट्री लेट्स सेलेक्ट बोथ ऑफ दम अगेन लेट्स गो टू एडिट मैश एंड से माच टू सेंटर इसे भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं माच टू सेंटर यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है मार्च टू सेंटर का आप इसे भी यूज कर सकते हैं रेस्ट आई कीप इट टिल हियर बिकॉज यहाँ तक हम लोगों को इसे रखना है बिकॉज हमारे ओरिजिनल शेप में भी अगर डिज़ाइन में भी हम लोग देखें तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो शेप है वो ऐसा यहाँ तक ओपन है एंड बीच का जो पीस है वो अलग तरीके से क्रिएट हुआ है नीचे भी अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा कर्व है एंड यहाँ तक वो ओपन है ओके सो यू कैन जस्ट लुक एट द रेफरेंसेज वेर यू कैन फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ डिटेल सेकेंड so सी इस तरह से और यहाँ पे भी ये एक सर्टन पार्ट तक हमारा शेप है सो ना लेट्स मूव अंड एंड चेक सारे पॉइंट हमारे मर्ज हुए हैं या नहीं yes, हो चुकेड अब हम लोगों को क्या करना है हमारे ये जो एजेस है इन्हें हम लोगों को ब्रिज कर लेना है तो लेट्स डू ब्रिज लेट्स Press Press G G to bridge them. Let's select them. select so, इस तरह से आप क्विकली इसे ब्रिज कर लेट right, तो ये हमारा ब्रिजिंग का हो गया अब ये जो हमारा एरिया है जो इस तरह से एम दिखाई दे रहा है ट्राइंगल बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं ट्राइंगल ही हम लोग को चाहिए लेट्स सेलेक्ट दिस थिंग डबल क्लिक करें सिलेक्शन हो जाएगा देन यू गो टू मेश एंड जस्ट से फिल होल तो हम लोग इसे फिल कर लेते हैं कुछ ऐसे लेट्स प्रेस जी टू रिपीट द लास्ट कमांड यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करते हैं इसे लेट्स सी इफ वी आर ओके जी एंड यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे प्रेस कर लेंगे जी टू फिल दिस थिंग राइट तो ये हमारा जो शेप है वो ऐसा बन के रेडी हो चुका है तो ये हमारा बेस बन के हो चुका है रेडी और रेडी गाइज सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को स्टेप्स समझ में आ चुके होंगे कैसे आप लोगों को मॉडल को स्टार्ट करना है और कैसे आप इसको रेडी कर सकते हैं सो आई वुड लाइक यू गाइज टू यहाँ तक आप लोग बना लें आज की क्लास में यहाँ तक आप लोग इसे रेडी कर ले इसे रिफाइन कर लें मैं भी इसे थोड़ा बहुत रिफाइन कर लूँगा देन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ चीज को और बाकी के डिटेलिंग पे हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं सो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई रहेगी क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक करे शेयर करे कॉमेंट करे चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए एंड अगर ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए कीप वाचिंग कीप लर्निंग